जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। डॉक्टर साहब, ये सब किताबें काहे? राजस्थान सरकार ने एक नया स्कॉलरशिप एग्जाम इंट्रोड्यूस किया है, जिसे पास करने वाले टॉप 5 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि अगर आप इस एग्जाम को टॉप करती हैं या फिर टॉप 5 में आती हैं, तो आपके पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएंगी। माने जीरो फीस? अरे का भौकाल खबर दिया है आप, मजा आ गया। और पास का तो का, हम तो बचपन से ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन आए हैं। हंसते हंसते निकल जाएगा ये परीक्षा। मैं ये बात तो जानता हूँ, लेकिन उसके लिए तैयारी भी तो करनी पड़ती है, इसलिए ये किताबें लाया मैं। चलिए आप आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट आज से क्या, आप अभी से पढ़ाई शुरू कीजिए। कम ऑन। अभी से का है माने? परीक्षा कब है? 3 दिन बाद। का? 3 दिन? 3 दिन माने 72 घंटे माने 159,200 सेकंड? इतने कम टाइम में कैसे होगा? नहीं 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 नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे। अरे नानी, अभी तो इतनी कॉन्फिडेंट थी आप, अब क्या हो गया एकदम से? डॉक्टर साहब, हमें आत्मविश्वास है, पर आप समझने की कोशिश कीजिए ना। न जाने हजारों लाखों बच्चे साल भर तैयारियां करते हैं परीक्षा के लिए, ऐसे अचानक 3 दिन में कैसे कर लेंगे हम? ये हम नहीं कर पाएंगे, हम कह रहे हैं। अरे रानी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, एकदम सही सोच रहे हैं हम। तो हम क्या कह रहे हैं, इस साल जाने देते हैं, अगले साल अच्छे से पढ़ाई करके परीक्षा देंगे हम। ऐसे परीक्षा देकर क्या फायदा जिसमें रिजल्ट से कोनो उम्मीद ही ना हो। रानी ये क्या कह रही हैं आप, आपको मौका मिला और आप 1 साल इंतजार करेंगी उसके लिए? और नहीं तो का, आप खुद ही समझिए, जिन किताबों को यहाँ तक लाने में आपके पसीने छूट गए, उनके अंदर जो लिखा है उसको 3 दिन में अपने दिमाग में कैसे फिट करेंगे हम? वही हो पाएगा 3 दिन में, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मेरी बात सुनिए, बस चुप हो जाइए। बोल दिया आपने जो बोलना था, अब मैं बोल लूं? अगर कुछ हासिल करना हो, किसी मंजिल तक पहुंचना हो, तो उसके सफर से नहीं डरते। आपके अंदर जो जीनियस है ना रानी, वो किसी में नहीं है। जितनी आप मेहनत कर सकती है ना रानी, वो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप उसी लगन से, उसी मेहनत से, उसी जज्बे से पढ़ाई करेंगी, तो 3 साल की पढ़ाई आप 3 दिन में खत्म कर सकती हैं। ऐसा मेरा मानना है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके बाबूजी भी यही सोचते हैं। तो अब इस डर को कहिए भाड़ में जाए, अब सिर्फ पढ़ाई करने का वक्त है, क्योंकि हारना आपकी फितरत में नहीं है। बूझे? आपके हर बढ़ते कदम में साथ दूंगा मैं, घबराइए मत। आप भी ना डॉक्टर साहब, कभी कभी इतनी गहरी बातें कर लेते हैं, भावुक हो जाते हैं हम। हम करेंगे डॉक्टर साहब, आपके और बाऊजी के हर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे हम, पूरी कोशिश करेंगे जी जान से। ये हुई ना बलिया वाली रानी की बात। चलिए अपने बुक्स चेक कर लीजिए। जी कहा ना कि नहीं भड़कूंगी और ना ही वीर को बोलूंगी, अब बोलना है तो बोलो वरना इरिटेट मत करो ऐसे खड़े रह के। मुझसे तो नहीं होगा कियारा जी, बावर्ची तुम ही बोलो। अब छोटा मुंह बड़ी बात मैडम, पर आपके जो कुंवर सा है ना, बड़े दिल फेंक किस्म के आदमी है। हमारा मतलब एक नौकरानी का, उस रानी का इतना ख्याल रखते हैं जैसे बिरजू की घरवाली नहीं उन्हीं की। आप जो भी काम देती है ना रानी को, पता है वो कौन करता है? हम। कहते हैं रानी काम नहीं करेगी, मैं उन्हें काम करते हुए नहीं देख सकता। अरे भाई ये क्या बात हुई, काम करने तो आए हैं ना यहाँ, पता नहीं क्या मक्खन लगा दिया है,
कि कुंवर सा उसकी बातों में फिसले ही चले जा रहे हैं। ना वो सफाई करती है, ना उसे कपड़े धोना आता है, तो फिर यहाँ पे कर क्या रही है सिवाय कुंवर सा के आगे पीछे भिन भिनाने के। बाथरूम में भी ना गंदे कपड़े हैं, उन्हें भी धो देना। रानी आपके कपड़े क्यों धोएंगे क्यारा? What? क्यारा देखो। डॉक्टर साहब, क्यारा जी सही तो कह रहे हैं। तुम इतनी रात को ये नौकरानी के साथ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैं कुछ हम बस सोने ही जा रहे थे। इस तरह ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है क्यारा, रानी आप ही की मदद कर रही है। अंदर पानी नहीं आ रहा था तो इसलिए यहाँ पर आई है, और आप ही के कपड़े धोने के लिए। सो प्लीज अपने इस गुस्से को काबू में रखें। रानी सा होती ना तो कभी ऐसा नहीं होता। क्या मतलब? तुम दोनों चलो निकलो यहाँ से। जो काम दिया है ना उस पर ध्यान दिया करो, ज्यादा टांग अड़ाई ना तो दोनों नौकरी से हाथ धो बैठोगे। निकलो, गेट आउट। जी आप ना बहुत ही बेकार है हुकुम, और मैं हर बार आपकी बातों में आ जाती हूँ और हर बार बेइज्जती होती है। चिंगारी लग गई है चंपा डार्लिंग, बस अब आग लगनी बाकी है। देते आपकी काली वाली काफी बनाने में कितना ही टेम लगता है। करेक्ट, लेकिन आपकी ज्यादा दूध ज्यादा शक्कर वाली चाय बनाने में वक्त लगता है। आप चाय पीजिए, अपनी नींद को भगाइए और फिर डटे रहिए। ओके जी। जी की दवाई का टेम हो गया है, फटाफट देकर आ जाते हैं। नहीं आप बैठिए, मैंने विक्रम से कह दिया है वो दे देंगे। ओके आप सिर्फ पढ़ाई करेंगी, चलिए। डॉक्टर साहब आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, थैंक यू। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, आप एग्जाम में क्लियर हो जाइए, उसके बाद एक बड़ी सी पार्टी दे देना मुझे, हिसाब बराबर हो जाएगा। ओके अब बातों में उलझना बंद कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कम ऑन फोकस। ठीक है। क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हैं आप? अब वो हमारा कंपास नहीं मिल रहा है। कोनो बात नहीं, हम कटोरी ले आते हैं, उससे कर लेंगे। एक सेकंड, कटोरी? एग्जाम में भी कटोरी ले जाएंगे क्या आप? आप भी ना रानी, आप फोकस कीजिए, मैं अरेंज करता हूं। किस्मत से आप हमें मिले हैं डॉक्टर साहब, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे हम, इस रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। कहते रानी काम नहीं करेगी, मैं उन्हें काम करते हुए नहीं देख सकता। पता नहीं क्या मक्खन लगा दिया है कि कुंवर सा उसकी बातों में फिसले चले जा रहे। डॉक्टर साहब
साहब अब तक आए काहे नहीं? हमारे चक्कर में बहुत भागा दौड़ी करना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।